नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तेलंगाना में कांग्रेस के बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। उनके इस बयान पर अब बिहार के सियासी गलियारों में नेताओं का गुस्सा सामने आने लगा है। आपको बता दें, आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के लोग हर जगह फरियाने में सक्षम हैं। रेवंत रेड्डी के ऐसे बयान पर कांग्रेस आला कमान को संज्ञान लेना ही चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि निश्चित रूप से किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा हो, उसे इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। यह असंवैधानिक है, पूरी तरह से गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि इस तरह के बयान देने पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे बिहार के लोग हैं वो हर जगह फरियाने में सक्षम हैं। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने रेवंत रेड्डी के बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार के बीमार होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो राज्य के सीएम हैं, उनके अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। सवाल उठने वाले लोग अपनी जगह पर सही है। इस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर कहना उचित नहीं है। वैसे जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं को अपना फ्यूचर दिखने लगा है, वो उत्साहित हो गए हैं। उनके निराशा को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ कह दिया होगा। वैसे आए दिन मुख्यमंत्री स्टेटमेंट तो देते ही रहते हैं, जिन बातों की अपेक्षा उनसे नहीं रहती है वो भी वह कह जाते हैं। जदयू नेताओं के नीतीश कुमार के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में जदयू के 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, किसी की जमानत नहीं बची। अगर नीतीश कुमार या जदयू का इस्तेमाल वहां होता तो उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जो वोट मिला होता उसमें 50-100 वोट और बढ़ जाते। जो वोट जदयू को मिल गया वो कांग्रेस के साथ जाता। यह बात पूरी तरह से हास्यास्पद ही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पहले भी कह चुके हैं कि स्वार्थ के आधार पर की गई दोस्ती कभी सफल नहीं होती, उसमें जनता या देश का हित नहीं है। इनकी दोस्ती का कोई परिणाम नहीं आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार इंडिया गठबंधन को स्वार्थ के नाम पर की गई दोस्ती बताते हैं और फिर कहते नजर आए कि ये स्वार्थ के नाम पर की गई दोस्ती है जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये दोस्ती सफल नहीं होने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने बिहार के जो डीएनए पे सवाल उठाया है उसको लेकर भी भड़के नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए कि जो बिहार के लोग हैं वो खुद ही फरियाने में सक्षम है। अगर कांग्रेस आला कमान बड़े नेता के ऐसे बयान पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो क्या कुछ उन्होंने कहा, यह हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।